दोस्तों, अगर आजकल आप लोग अगर ऑनलाइन पासवर्ड वगैरह का अप्लाई कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। इस वजह से नहीं हो रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको कुछ दिन के लिए बंद किया है, और ये जो है 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला पासपोर्ट का जो सेवा है वो कब शुरू हुआ था? पता तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। ग्रीस में ओल्ड ब्लू करके 1920 में इसकी सेवा शुरू हुई थी। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको ये चीज़ पता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो कौन से ब्रांड का सबसे बेस्ट आता है। तो 67% लोगों ने कहा कि जियो का आता है, 24% लोगों ने कहा एयरटेल का आता है, और कुछ 4% लोग हैं जो BSNL का नेटवर्क यूज़ करते हैं जो बेस्ट आता है। आपके हिसाब से आपके एरिया में किसका नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है, कमेंट में जरूर बताइए। पहली अपडेट का तब बढ़ते हैं तो बात करते हैं व्हाट्सअप की। ऐसा बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट सिंक वाला फीचर्स आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। मतलब क्या होगा कि हद से ज़्यादा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सअप में बहुत सारे कॉन्टैक्ट शो होते हैं और एक ही नंबर से बहुत सारे अकाउंट बने रहता है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सिंक करके एक ही अकाउंट आपको दिखाया जाएगा, इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। वहीं अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं तो एलन मस्क ने ये कहा है कि हम ट्विटर को ऐसा बना देंगे कि वो लोग व्हाट्सअप को यूज़ करना भूल जाएंगे। क्या ऐसा आपको पॉसिबल लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम में क्रिएटर लाइव वाला फीचर्स को इनेबल कर दिया है। मतलब वहाँ पर बहुत सारे फिल्टर और AI फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की कुछ अपडेट है। वहीं अगली अपडेट आ रही है AMD Ryzen 9000 वाला नया प्रोसेसर को AMD ने लॉन्च कर दिया है जो Zen 5 के कोलेब्रेशन में आता है। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोसेसर की जो प्राइस है 28,190 इंडियन मनी के हिसाब से। लेना चाहेंगे आप? वैसे आपके पास जो PC उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है PS5 Pro का फर्स्ट लुक आ गया है, जो आप देख सकते हैं लुक डिज़ाइन में काफ़ी बेस्ट लग रहा है। वैसे आप गेमिंग कंसोल कभी यूज़ किए हैं अपने लाइफ में, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है बोट के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि बोट ने कोलेब्रेशन कर लिया है मास्टर कार्ड के साथ। मतलब आप बोट का प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी मिलेगा और आपके पास मास्टर कार्ड है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ऑफर्स मिलेगी, इस तरह की कुछ अपडेट है। अगर आप ATM कार्ड के थ्रू डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उससे परचेस वगैरह करते हैं तो अगली अपडेट आ रही है 17 की तरफ से, जो 2025 में लॉन्च होगा। इसमें बताया जा रहा है कि 12 GB का रैम और वेफर कूलिंग चेंबर जो है इस बार सबसे बड़ा होगा इसका, इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे एप्पल का फ़ोन तो हीट करता नहीं है, लेकिन अगर हीट करता है तो आप उसमें अंडा तलेंगे या फिर कुछ और, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है 9 सितंबर को। आप लोगों को पता है कि iPhone 16 लॉन्च होने वाला है, जिसमें iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus, 16 Pro Max, साथ ही साथ एप्पल का Watch 3, Watch 10 अल्ट्रा, जो इसका एप्पल का जो फ्लैगशिप वॉच होता है वो लॉन्च होने वाला है, Watch SE 3 लॉन्च होने वाला है, iPad 7 और iPad 11 भी लॉन्च होगा। वैसे आपके किडनियों में दम है या फिर घर का पेपर इस बार गिरवी रखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर। वक्त होता आपके सवाल लेने का। नॉब गेमिंग का सवाल है, रजा भाई Realme 12 Pro Plus का न्यू अपडेट के बारे में कुछ बताइए। न्यू अपडेट जो है मेरे फ़ोन में अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टेडियम करिए सब्सक्राइब करके। अगली अपडेट आ रही है Redmi 14C की तरफ से। रिटेल बॉक्स इसका नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ Redmi का Note 14 SCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, और इस बार बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी 5G के या 4G के एंड होता है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें से N2, N5, N7, N26, N38, N41, N48, N66, N77 और N78, ये जितने भी बैंड है 5G के उसको नया इम्प्लीमेंट किया गया है इस फ़ोन में, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Realme का Note 60 की तरफ से। 8 GB रैम और 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन आएगा। वहीं अगली अपडेट आ रही है Samsung Galaxy A06 का प्राइस लीक हो गया है, 9,990 बताया जा रहा है इंडियन मनी के हिसाब से। अगली अपडेट आ रही है Vivo का Y300 Pro। ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ़ोन आने वाला है और इसका फर्स्ट लुक आ गया है, जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ Vivo का T3 Ultra 50 MP कैमरे के साथ 5500 mAh की इसमें बैटरी होगी, और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मे बी सितंबर के नेक्स्ट वीक में, मतलब सेकंड वीक में लॉन्च हो जाए। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो एनको ईयर 4 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, IP55 रेटिंग के साथ ये लिस्ट हो गया है। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, 2190 में ये चाइना में लॉन्च हुआ है, तो क्या लगता है उसी के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा तो आप बाय करेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है मोटो का G55 और G35। ये दो फ़ोन
चाइना में आज लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस बताया जा रहा है G55 का प्राइस है 23,200 रुपये, कन्वर्ट करके बता रहे हैं, और 55 का प्राइस जो आया है 18,500 रुपये। लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है मोटो का S50, ये जो फ़ोन है रेड कलर पे आ गया है और फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है एयरटेल का फ्लिप फ़ोन, ये जो है 30 तारीख मतलब कल ये लिस्ट हो गया है चाइना में, और ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। मोटो रेजर जिस तरह का फ़ोन था उसी तरह का ये फ़ोन, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, सैटरडे था, ज़्यादा कुछ नहीं था, अपडेट जो भी था आपको हमने दे दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।